खबर सारण बिहार से है, जहां पत्रकारों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। उस वक्त सारण MLC का चुनाव लड़ रहे सुधांशु रंजन द्वारा लगातार पत्रकारों के हित की बात रखी जा रही है। इसी कड़ी में शिवम मैरिज हॉल में पत्रकार सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आए सुधांशु रंजन ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा, मैं अगर चुनाव जीत कर विधान परिषद में जाता हूँ तो पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन एवं अपने ऐच्छिक कोष से 15% राशि उनके आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक साल देने का काम करूंगा। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सुधांशु रंजन को अमनौर के मीडिया कर्मियों द्वारा फूलमाला एवं मंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मढ़ौरा अनुमंडल पत्रकार संघ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंडों से आए पत्रकार जन को अनुमंडल पत्रकार फोरम के अध्यक्ष दिनेश सिंह, मनोकामना सिंह, नेशनल खबर छपरा ब्यूरो मनोज सिंह, सेंगर प्रभात खबर कुलदीप महासेठ, MLC प्रत्याशी सुधांशु रंजन द्वारा बारी बारी से सभी पत्रकारों का फूलमाला पहनाकर उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसमें मसरत त्रैया मरहोरा अमनौर भल्दी मकेर से आए लगभग 50 पत्रकारों को सुधांशु रंजन द्वारा उपहार भेंट किया गया तथा पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं पर संगोष्ठी की गई, जिसमें अनुमंडल के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सिंह, मनोकामना सिंह, संजीव कुमार ने अपने अपने विचारों से पत्रकारों को अवगत कराए। वहीं इस कार्यक्रम के संयोजक राय कुलदीप महाशय तथा सह संयोजक रहे मनोज सिंह सेंगर तथा अमनौर के सभी पत्रकारों ने मिलकर एक कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने का काम किया। सारण बिहार से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। आपने एक प्रयास शुरू किया है, जिले के पत्रकारों को आप सम्मानित कर रहे हैं, कोरोना योद्धा के रूप में उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, क्या योजना है पत्रकारों के लिए आपके मन में? मैं सुधांशु रंजन बता दूँ की सारण जिले में लगातार मेरा प्रयास है कि हर पत्रकार बंधु से मुलाकात करो और एक नया संदेश देने का कार्य करो, ताकि मैं अगर इस सारण जिले में निर्वाचित होकर विधान परिषद में जाने का कार्य करूंगा तो मैं अपने ऐच्छिक कोष से 15% की राशि हर साल देने का कार्य करूंगा, जो पत्रकार सुरक्षा के तहत कार्यों में खर्च होगा। पत्रकार भवन का भी अभाव माना जाता है, कहीं पत्रकारों को बैठने के लिए कोई विशेष जगह नहीं होती है, इस दिशा में भी क्या प्रयास किया जा सकता है? मैं चुनाव जीत के जाता हूं, मैंने पहले भी बता दिया, तो हर अनुमंडल कार्यालय, तीनों अनुमंडल कार्यालय और 20 प्रखंडों में पत्रकार बंधुओं को बैठने के लिए भवन निर्माण से बात कर शीघ्र भवन बनाने का कार्य किया।